हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारे टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें सिक्योर वीपीएन एंड फोटो ट्रांसलेट एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो की व्यू अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक अल्टर वीपीएन एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको 101% कनेक्टिविटी फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी एंड इसके अंदर यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो ट्रांसलेट कर सकते हो आप। यहाँ से आपको 100+ कंट्रीज लैंग्वेज सपोर्टेड अवेलेबल हो जाएगा। इजी कॉपी टू पोस्ट एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसके अंदर टैक्स वगैरह इजीली कर सकते हैं। कनेक्टेड टू वीपीएन सर्वर्स यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे वाईफाई एंड एलटीई एंड यहाँ पे 4G 3G नेटवर्क साइट आपको मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जो फोटो या टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकते हो आप। अनलिमिटेड वीपीएन अवेलेबल हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड सर्वर्स ऑप्शन, यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और ट्रांसलेट का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो चलिए करते हैं, मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताता हूं इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट किस प्रकार से और आप इसको यूज किस प्रकार से करेंगे अपने मोबाइल्स के अंदर और ये काम किस प्रकार से करेगा दोस्तों। तो पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यहां पे आपको इस प्रकार से यहां से दिखाई देगा एंड इसके अंदर यहां पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहां पे आएगा जो कि वीपीएन का, यहां पे टेक्स्ट ट्रांसलेट का यहां पे आएगा और कैमरा ट्रांसलेशन का ऑप्शन यहां पे आएगा, जो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहां पे वीपीएन कनेक्टिविटी पे चला जाएंगे। वीपीएन कनेक्टिविटी सबसे पहले लेना है इसके अंदर, यहां पे दोस्तों आपको दिखाई देंगे जैसे कि अभी ऑफ है, उसको ऑन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ में क्या ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे वर्डवर्ड यहाँ पे सर्वर्स के ऑप्शन पे टच कर लेना है। यहाँ पे फास्टर सर्वर्स के ऑप्शन पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारी कंट्रीज के सर्वर्स है। एक कोई भी यहाँ पे कंट्रीज के सर्वर्स को सिलेक्टिविटी कर लेना है। सिलेक्ट करने के यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। अल्सो अलाउ करने के बाद यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऐड आएंगे, ऐड को क्लोज कर लेना है आप इजिली और यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुल होके आ जाएगा। फिर बैक ले लेना दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वर्स अपन ने कनेक्टिविटी पे लिया था यहाँ से बैक कर लेना, इसको नीचे ले लेना। आप बाहर से भी देख सकते हैं अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पे आपको बाहर से भी दिखाई देंगे शटर डाउन करने के बाद। फिर इसको बैक ले लेना दोस्तों और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसलेट का ऑप्शन पर टच कर देना। टेक्स्ट ट्रांसलेट का ऑप्शन पर टच करने के बाद जो आप किसी अन्य कंट्री से बिलोंग करते हो या फिर इंडिया से हो तो आप अपनी कंट्रीज की लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने देता हूँ यहाँ पे, कि मैं तो यहाँ से जैसे हिंदी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, जो कि आप मैं यहाँ से इंडिया से बिलोंग करता हूँ, या फिर अलग स्टेट की लैंग्वेज भी अवेलेबल है। जब आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको मराठी तेलुगु तमिल यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इसमें भी कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ये दिया हुआ है, सेव कर दूंगा यहाँ पे। और सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जिस कंट्रीज के अंदर आपको चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करना है, जैसे कि ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे वो लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। तो मैंने इंग्लिश को यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे गुजराती कर लेता हूँ। गुजराती के ऑप्शन पर टच करूंगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होता है जब तक करते हैं दोस्तों वेट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गुजराती सिलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे जो एंटर है, यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड के अंदर जो आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ पे जो आपको टाइपिंग होंगी आपकी, या फिर आपका जैसे आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम होंगी या फिर आपका कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया हाउ आर यू एंड इसके अंदर यहाँ पे कर दिया मैंने इसको ट्रांसलेट। गुजराती के अंदर दोस्तों आ जाएगा वो, तो जो कि यहाँ पे गुजराती के अंदर कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट होकर आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होगा टेक्स्ट का यहाँ पे। फिर इसके बाद कैमरे का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। अल्सो अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन इस प्रकार से अवेलेबल हो जाएगा। वन फोटो क्लिक कर लेना है, जो भी अपने फोटोग्राफ होगा, जैसे कि पीडीएफ होता है, अन्य चीज होती है, फोटोज वगैरह होती है, उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन पे टच कर देना। इसलिए तरीके से ट्रांसलेट होकर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।